रक्षाबंधन पर क्यों करते हैं भद्रा का विचार? आखिर भद्रा पर क्यों नहीं बांधनी चाहिए राखी? जाने कौन थी भद्रा, क्यों इस समय राखी बांधना होता है अशुभ? नमस्कार दोस्तों, साल 2023 में भद्रा को लेकर बहुत से लोग डरे हैं, तो वहीं कई लोगों के मन में काफी प्रश्न भी हैं। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे लगता है भद्रा सिर्फ अंधविश्वास है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे आखिर भद्रा के समय राखी बांधना क्यों अशुभ माना जाता है। तो आइए आगे जानते हैं भद्रा काल में राखी क्यों नहीं बांधी जाती। सबसे पहले आपको बता दें कि पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा सूर्यदेव की बेटी और ग्रहों के सेनापति शनिदेव की बहन है। शनि की तरह ही इनका स्वभाव भी कठोर माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भद्रा अपने कटु स्वभाव के चलते हवन, यज्ञ और अन्य मांगलिक कार्यों में बाधा पहुंचाने लगी। इसलिए भद्रा के साये में शुभ या मांगलिक कार्य, यात्रा और निर्माण कार्य निषेध माने गए हैं। भद्रा के कोप से लोगों के मन में डर बैठ गया और लोग उनसे दुखी रहने लगे। भद्रा के कार्यों और स्वभाव के कारण उनके पिता सूर्यदेव भी बहुत चिंतित थे। उन्होंने ब्रह्मदेव से भद्रा के बारे में बात की। ब्रह्मदेव ने भद्रा को समझाया और कहा कि तुम्हारे लिए एक समय तय किया जाता है, उस समय में ही तुम्हारा वास होगा। तुम पाताल स्वर्ग और पृथ्वी लोक पर वास करोगी। उस समय में जब कोई शुभ कार्य करेगा तो तुम उसमें ही विघ्न बाधा डालना। ब्रह्मदेव ने भद्रा को बव, बालव आदि करणों के बाद निवास का स्थान दिया और कहा, काल के खत्म होने के बाद तुम किसी के शुभ कार्य में विघ्न नहीं डालोगी। इनके स्वभाव को समझने के लिए ब्रह्मा जी ने कालगणना या पंचांग में एक विशेष स्थान दिया है। बता दें, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर जब भद्रा का साया रहता है तब भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधी जाती है। भद्रा को स्वभाव से बहुत ही गुस्सैल माना जाता है, इसलिए इस दौरान कोई मांगलिक काम नहीं किया जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि रावण की बहन शूर्पणखा ने अपने भाई को भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, जिसके कारण रावण का विनाश हो गया। इस वजह से भी भद्रा काल में राखी बांधने से मना किया जाता है। वहीं ये भी कहा जाता है कि भद्रा के वक्त भगवान शिव तांडव करते हैं और वो काफी क्रोध में होते हैं। ऐसे में अगर उस समय कुछ भी शुभ काम करें तो उसे शिव जी के गुस्से का सामना करना पड़ता है और बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी भद्रा काल में राखी ना बांधने के पीछे की कथा। ऐसे में बहनें इस समय अपने भाई को राखी ना बांधें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी तक राखी की सही जानकारी पहुंच सके। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।